Assalamu alaikum, dear students and viewers. You are watching my YouTube channel, Irokin. Today we will discuss Planck's quantum theory. Aaj hum Planck quantum theory ke mutalliq padhenge. Agar aap isko dekhe, yahan pe term quantum kya hai, proton kya hai, iske hawale se bhi hum padhenge. Agar aap Planck's quantum theory ko dekhe, this theory was proposed by Max Planck. Max Planck ne ye theory propose kiya tha in 1900. 1900 mein Max Planck ne electromagnetic radiations ke mutalliq ek theory propose ki, which is known as Planck's quantum theory. Agar aap dekhe electromagnetic radiations kya hai, black body radiations kya hai, isko hum discuss karenge. सबसे पहले हम आते हैं कि what are electromagnetic radiations? Electromagnetic radiations या EMR क्या होती हैं? Electromagnetic radiations को हम इस तरह define कर सकते हैं, those radiations are radiations which require no medium for their propagation. और radiation जिसके propagation के लिए कोई medium की जरूरत नहीं होती, उनको हम नाम देते हैं electromagnetic radiations. अभी electromagnetic radiations किस तरह produce हो सकते हैं? तो simply हम यहाँ पे ये बता दे हैं कि when an electric current when current passes through a circuit जब एक सर्किट से करंट पास होती है, true and true motion of a magnet को हम वाइब्रेट करते हैं, टू इंप्रूव मोशन देते हैं, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रोडक्शन होती है. सिमिलरली जब करंट पास होता है थ्रू अ सर्किट, तो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की. सिमिलरली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जब एक बॉडी होता है ब्लैक, उस जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, तो ये सारी इनको अगर आप देखें, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का. और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का प्लॉन्क्स ने स्टडी की उनको, और उनके मुताबिक एक थ्योरी प्रपोज किया जिस थ्योरी को हम नाम देते हैं प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी. अब हम आते हैं प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स. सबसे जो पहला पोस्टुलेट है प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी का, ये जो प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी पहला जो पोस्टुलेट है, इट टेल्स दैट रेडिएशंस या सिंपली यू कैन से लाइट या यू कैन से एनर्जी, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है या एमिशन होती है, वो कहता है कि इट इज इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर. ये डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा. ये क्वांटा प्लूरल है, इसका अगर सिंगल रंग आप देखें तो इसको हम कहते हैं क्वांटा. तो पहले
पोस्टुलेट में अगर आप देखिए ये पहला जो पोस्टुलेट कहता है कि एनर्जी इज एमिटेड एनर्जी इज अब्सॉर्ब डिसकंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स. ये जो वेव पैकेट्स है इसको हम एनर्जी पल्स भी कहते हैं. इसकी जब एमिशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है डिसकंटीन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है डिसकंटीन्यूअसली एमिट होती है और ये जो एब्जॉर्ब होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और इन वेव पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटा. या एक अगर वेव पैकेट है तो फिर उसको हम क्वांटम कहते हैं अगर एक से ज्यादा है तो फिर उसको हम कहते हैं क्वांटा. इन केस ऑफ विजिबल लाइट अगर लाइट विजिबल है विजिबल लाइट या फॉर एग्जाम्पल सिंपली वी कैन से लाइट को हम कहते हैं सनलाइट है तो फिर इस क्वांटा को हम नाम देते हैं फोटॉन्स. तो अभी यहां पे आप देख ले अगर लाइट एनर्जी है विजिबल लाइट है तो ये जो वेव पैकेट है इसको फिर हम नाम देते हैं फोटॉन्स. फॉर एग्जाम्पल अदर रेडिएशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या सिंपली जब हम करंट पास करते हैं थ्रू अ सर्किट वहां पे प्रोडक्शन होती है इस किस्म के लाइट को अगर हम देखते हैं तो फिर इसको हम नाम देते हैं क्वांटा. अगर लाइट एनर्जी है या सिंपली यू कैन से विजिबल लाइट है तो द वेव पैकेट इज देन नोन एज फोटॉन्स फिर उसको हम फोटॉन का नाम देते हैं. दूसरी यहां पे एक बात जहन में याद रख ले अगर आप देख ली डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था उन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर है. समटाइम्स इलेक्ट्रॉन एक्ट इज अ पार्टिकल व्हाइल समटाइम्स इलेक्ट्रॉन एक्ट इज अ वेव और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया था जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन नाम देते हैं. सिमिलरली अगर आप लाइट को देखें तो लाइट हैज आल्सो अ ड्यूअल नेचर समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ वेव. तो यहां पे ये अगर आप देखें ये कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है कि लाइट ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स और इस डिस्क्रीट यूनिट्स को हम नाम देते हैं क्वांटा और इट इज नोन एज फोटॉन्स. इसको हम फोटॉन नाम देते हैं या इसको हम क्वांटा का नाम वो देते हैं ठीक है. दूसरा अगर आप देख ली सेकंड पोस्टुलेट या फिर सेकंड पोस्टुलेट को अगर आप देखें तो जो सेकंड पोस्टुलेट है प्लॉक्स क्वांटम थ्योरी का वो हमें इंफॉर्मेशन देती है बिटवीन द रिलेशन. आप दूसरा जो पोस्टुलेट है वो एनर्जी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है और ये जो सेकंड पोस्टुलेट है इट टेल्स अस दैट द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन द एनर्जी ऑफ क्वांटम इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये है कि एक एनर्जी का एक प्रोटॉन का एनर्जी ज्यादा होगा अगर इसकी वैलेंसी ज्यादा है. अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी. अगर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा. यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी है इसकी जगह हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं एच और दिस एच इसको एक कांस्टेंट है जो इसको हम नाम देते हैं प्लॉक्स क्वांटम प्लॉक कांस्टेंट इसको हम कहते हैं. अगर ये एच आप देख ली तो इसकी जो वैल्यू है 6.6 × 10⁻³⁻¹⁴ जूल सेकंड इसका कांस्टेंट की वैल्यू है. यहां पे आप देख ली दिस ई रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इसको हम नाम देते हैं एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. एच ये कांस्टेंट है लॉन्ग कांस्टेंट और दिस न्यू ये न्यू है एंड इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इट मींस एनर्जी ज्यादा है. अगर फ्रीक्वेंसी कम है इट शोज दैट प्रोटॉन या क्वांटा की जो एनर्जी है वो भी कम होगी. यहां पे ये एच का वैल्यू है
यहां पे अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सी एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो सी है दिस शोस द स्पीड ऑफ लाइट, ये सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है और सी का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इस स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से वो ट्रेवल करते हैं। दिस इज कॉल्ड लैम्डा, इसको हम नाम देते हैं लैम्डा, और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है। तो यहां पे अगर आप देखें ये जो न्यू का वैल्यू है, वी कैन पुट हियर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में इसका जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और इस इक्वेशन के मदद से दिस इज का प्लैंक्स इक्वेशन, इसको हम नाम दे देंगे प्लैंक्स इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है इसके मदद से हम एक प्रोटॉन का या वेव पैकेट का एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो थ्योरी है इसका एक और पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट जो है इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखिए, ये कहता है कि द एनर्जी, इसको अगर आप यहां से देखिए द एनर्जी इज, यहां पे अगर आप देखिए द एनर्जी ऑफ अ वेव पैकेट या द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक वेव पैकेट में फॉर एग्जांपल 100 प्रोटॉन्स है, तो ये जो 100 प्रोटॉन्स का हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह एच सी ओवर लैम्डा, दिस एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये जो एन है ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3, 4, 5 10,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि ये 1.2 है, 1.3 है, क्योंकि प्रोटॉन होल नंबर होगा, ये फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक वेव पैकेट है और उसमें फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ भी जो एनर्जी है 10 प्रोटॉन्स का, ये जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे the energy is multiplied by 10, तो ये हमेशा होल नंबर होगा, ये फ्रैक्शंस में नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ये इनके पोस्टुलेट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आयुर्वेद।